कोई ना कोई जरूर। अरे बाप रे, तुम यहाँ कैसे? क्या बात है अंकल, आप क्या बड़बड़ा रहे थे? तुमने ऐसा क्या सुन लिया बेटा? वही अंकल कि कोई ना कोई फंसने वाला है, ख्याल रखना, ऐसा आपका मैसेज आया था। मैंने मैसेज भेजा था? आप ही ने अंकल। चला गया होगा बेटा। हाँ हाँ। मेरी किस्मत ही खराब है, निकलने की जितनी कोशिश करूँ फंसता ही जाता हूँ। वन मिनट, तुमने कहा ना मैंने मैसेज भेजा है, तुम यही रुको, मैं अभी आता। भैया। हाँ बोल। कहाँ पर है आप? क्या पूछ रहा है, सुनाई नहीं दिया। मैंने पूछा क्या बात है पीके? बाबू, तूने उस लड़की को मैसेज क्यों भेजा, और भेजा तो मेरे नाम से क्यों भेजा? ये पूछने के लिए मुझे फोन किया? इसी तरह उसे मैनेज करो। अरे बताना, मुझे उसे जवाब देना है। अरे, मुझे तुझसे बात नहीं करनी है। बार बार फोन करके परेशान मत कर। अंकल, बार बार फोन करके मुझे परेशान मत करो। तुझे फोन करके परेशान कर रहा हूँ? मैं परेशान हो रहा हूँ। सच कह रहा है? हाँ सच में। अब फोन पे नहीं, सामने बात करेंगे, चल रख। तुम मेरे मैसेज से इतना परेशान क्यों हो? क्या, कौन मैं? हाँ। मैं परेशान हूँ? हाँ। फोन है, बॉक्स है, फोन को बॉक्स में डालो, उसे बंद करके लात मारो, वो भी जोर से। इतना टेंशन क्यों लेती हो? कुछ तो झोल झाल कर रहे हो आप, मेंटल मेंटल अंकल। हाँ बेटी, मैं मेंटल हो गया। दिल दिया है। पागल हो गया है क्या? वो उसकी सगी बेटी है, पता चला तो मार देगा। होगी सगी बेटी, मैं भी मामूली इंसान नहीं हूँ, समझे ना अंकल। आप मेरे साथ है तो मुझे किस बात का डर है अंकल? ये बात तो सही है। हे, वो मेरी बच्ची जैसे है यार, तो इस खेल में कहीं उसे चोट मत पहुँचा देना। देखिए अंकल, अपने अपनों के साथ कभी धोखा नहीं करते, और मैं भी थोड़ा दूसरे टाइप का हूँ, आप बेकार में टेंशन मत लीजिए। इसने मुझे समझाया है या कहीं फंसाया है? ए, टू बाई टू। इसका कुछ नहीं हो सकता। ए, टू बाई टू। हाँ, बोलो भाई। मेरे समझ में नहीं आ रहा था क्या जवाब दूँ, तूने सही जवाब देकर मेरी जान बचा ली। क्या हुआ, कैप आ गया? ये लो। अरे बाप रे, अब कौन सी बला आ गई? क्या फर्क पड़ता है, तू है ना मेरे साथ, चलो। ओवर कॉन्फिडेंस। ये क्यों आ गए? इन्हें तू जानता है क्या? मैं इन्हें जानता तो नहीं हूँ, लेकिन हमारे यहाँ आए हैं तो अपने ही होंगे ना। ये शायद विश्वनाथ है। डॉक्टर सदाशिव। हे, ये तो मुझे बुला रहा है। डॉक्टर विश्वनाथ। यार कितने सालों के बाद मिल रहे हैं हमें। आई एम सो हैप्पी। अरे ऐसे खांस क्यों रहा है सिल्ली फेलो? ये डॉक्टर है ना। बाबूजी, आप यूएस में करते क्या है? ये कौन है जो बीच में चमचे की तरह बोल रहा है? तुम्हारा ड्राइवर है क्या? ना ये चमचा है ना ये ड्राइवर है, ये मेरा राइट हैंड है। अपने राइट हैंड से इंट्रोड्यूस करवा रहा है अपना लेफ्ट हैंड दिखाकर। तेरा लेफ्ट राइट कब से हो गया यार? अरे संदीप, ये डमी डॉक्टर तो मेरा ऑपरेशन कर रहा है। ये भी मेरी एक चाल है तुम्हें मुसीबत से बचाने के लिए। बचो। पहचाना ये कौन है? तूने सही समझा, ये मेरी बेटी है। जब देखा था इतनी छोटी सी थी। वो तब की बात थी, अब तो बड़ी हो गई सिल्ली फैलो। डैडी, डैडी, माय डैडी। देखो बेटी, अब ये नहीं, ये है तुम्हारे डैडी। डैडी, वो भी मेरे डैडी है। डैडी, ये भी मेरे डैडी है। डैडी, क्या है? यहाँ तो डैडी का स्वयंवर लगा हुआ है। डैडी, डैडी, डैडी। ये गबरू जवान कौन है? तुम्हारा बेटा तो नहीं लगता। ये तो इस घर का होने वाला दामाद है डैडी। तुमने इसे अपनी सगी बेटी के लिए बुलवाया या फिर नकली बेटी के लिए? माता, माता, अभी माता, रुक जा, रुक जा। अंदर चलें वरना बारिश आ जाएगी। चलो चलो, बहुत हो गया ड्रामा। तू इंडिया में आकर अपने पुराने दोस्तों को भूल ही गया यार। अर्चना, अर्चना इस दुनिया में कहाँ है? अर्चना,
मेरी बेटी। बचपन में अर्चना ने इसे गोद में लिया था, मुझे लगता है इसीलिए उसका साया इस पर पड़ा। चल बेटी। मुझे भूख लगी है, कितना टाइम हुआ कुछ खा के, कुछ खाने को दो ना मुझे। मेरी बेटी को भूख लगी है, 10 पूरियां खा के पेट नहीं भरा? मुझे नजर मत लगाओ। अन्नू, पूर्णा, अन्नपूर्णा है। यहाँ इस तिकड़म खेल में अन्नपूर्णा बेचारी अकेली पड़ गई है। What a family, what a family. एक बात बताओ, तुम क्या उसे दिल दे चुके सनम? हम भी सनम। जब मैंने देखा था तब ये बहुत बड़ी कलाकार थी। हमारे डायरेक्टर साहब भी यही बता रहे थे। वो कौन होता है कहने वाला, मैं बता रहा हूँ ना, ब्रह्मा ने इसे बहुत फुर्सत में बनाया है। सच बताऊँ 2x2 एक्टिंग करने से ज्यादा इजी है मर्डर करना यार। ये क्या यार, यूएस में रह चुका फिर भी इंडियन की तरह पी रहा है। सिल्ली फैलो, यू सिल्ली फैलो, यू सिल्ली फैलो। मेरी बात पर नाराज हो रहा है क्या? कैसा आदमी है यार, हर वक्त किसी न किसी झमेले में फंसा ही देता है। ये बोलते हैं तो बोलने दो भैया, बस ध्यान अपना ग्लास पे रखो। ये क्या फुसफुस कर रहे हो तुम लोग? किस्मत अच्छी है कि तू मौत के मुंह से वापस आ गया। चाहे जो भी हो, मैं मान गया कि तू बहुत बड़ा मास्टरमाइंड है। वाह, क्या मास्टरमाइंड है, बहुत बढ़िया। तुम्हारी किस्मत का ताला खुल गया है। सदा ने अमेरिका में जो इन्वेस्टमेंट किया था उसका रिटर्न बहुत बड़ा है। बिग रिटर्न्स मतलब लगभग कितना होगा अंकल? 2000 से लेकर 3000 करोड़ के बीच में होगा, पक्का तो मुझे भी पता नहीं है। ये क्या, अनु ने तुझे कुछ बताया नहीं? वो बताने के लिए उसके पास टाइम ही का है, जब से आई है गाड़ी में ही भटक रही है। बरसों के बाद लौटी हुई बेटी को तुम कैसी हो ये पूछने के बजाय तुम कितना लाई हो ये मैं कैसे पूछ सकता हूँ? आप तो सच में ग्रेट एंकल, इसलिए मेरे डैड आपसे पार्टनरशिप करना चाहते हैं। क्यों रे? अच्छा ये बताओ, ऊपर के ड्रेसिंग टेबल में से जो लाली पाउडर मिला है वो तुम्हारी गर्लफ्रेंड का है ना? कैसे पता चला? इसके बारे में तो सिर्फ मैं ही जानता हूँ। मैं तुझसे पूछ रहा हूँ, तू इस बूढ़े को घूर रहा है? बूढ़ा कौन बूढ़ा, I am just 40+। 40+? हाँ 40- होना चाहिए। अरे बाप रे, पहली बार किसी ने तारीफ की है, मतलब चांस है मेरी भी शादी हो सकती है। कब तक कुंवारा रहूंगा? इसे ज्यादा मत चढ़ा वरना ये सर पे चढ़ के नाचेगा। तू जो चाहे कर ले, तेरी शादी कभी नहीं होने वाली। जब तक ये पनौती मेरी जिंदगी में रहेगा मेरे हाथ पीले नहीं होने देगा। क्या हो रहा है यहाँ? संदीप के कमरे में जा रही है, शादी से पहले कहीं कुछ गड़बड़ ना हो जाए। जो प्रॉमिस तुमने किया था उसके लिए मैं और इंतजार नहीं कर सकता। मान जाओ ना, तुम शायद कुछ कहने वाली थी। मैं तुम्हारा कैसे शुक्रिया अदा करूं, मुझे समझ नहीं आ रहा। ओनली थैंक्स कहोगी? और क्या चाहिए? ये लड़कियां जानती सब कुछ है लेकिन नाटक करती रहती है। पानी पिलाकर शिकार कर रहा है, तेरे जैसा शार्क नहीं देखा मैंने। गुड शार्क है तू। अरे वो 2x2 कहाँ गया? कौन है रे, मुझे इस वक्त डिस्टर्ब मत कर।
से आ गई। क्या है? राउंड टू शुरू होने वाला है, चलो देखते हैं। नाटक कर दिया। जो मैंने देखा सबको बताऊंगी। ब्लैकमेल। अरे पकड़ो ना। तुझे चाहिए क्या? क्या कुछ समझ में नहीं आ रहा है? वो कुछ समझाना चाहती है, समझ ले बेटा, फायदे में रहेगा। मुझे पानी नहीं पिलाओगे? मौके का फायदा गंवा रहा है, चल काम पे लग जा। चल जा। आज मैं ऊपर 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 नीचे नीचे नीचे। खतरे की घंटी है बाबू, ये बिल्कुल ठीक नहीं हो रहा। तीन का आंकड़ा अशुभ होता है। रुक गया तो तुम्हें छोड़ दूं? थैंक यू। माय प्लेजर। ड्रेस बहुत बढ़िया है। ये सब तुम्हारे लिए तो है। अच्छा, मेरे लिए सजी हो तो मेरी पसंद का पहनना चाहिए था ना। तुम्हें कैसी ड्रेस पसंद है? ओरिजिनल देसी है वो। क्या हुआ, तुम्हें ड्रेस नहीं पसंद आई? तो चलो ना शॉपिंग कर लेते हैं। या क्यों नहीं क्यों नहीं।